नमस्कार दोस्तों, ऑलराउंडर बात कर रहा हूँ। तो कैसे हैं आप सब, क्या चल रहा है? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे छोटे और मेरे प्यारे भाई सभी अच्छे होंगे और मौज में होंगे। तो देखिए, कल तो बड़ा मैच है, कल तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के सामने मैं CPL का मैच क्यों दे रहा हूँ आप लोगों को? देखो, उसका भी एक रीजन है। अब ये देखो, मैच है, कल खेला जाना है 7:30 बजे, ये महामुकाबला होगा, गोयना अमेजोन वॉरियर्स ST किट्स नेवी पैटर्न्स का मैच है। लेकिन इस मैच के सामने बहुत बड़ा मैच है। कौन सा मैच है मैं आपको बता देता हूँ, कौन सा कल मैच है, अपकमिंग मैच में बताता हूँ मैं आपको, एक मिनट। सब जानते हैं ये है मैच, इस मैच के बारे में बात कर रहा हूँ। ये मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, 3 बजे से स्टार्ट होगा ये मुकाबला मेरे भाई। ये सबसे बड़ा मुकाबला है एशिया कप का। अभी तक देखो, इंडिया की हालत ऐसी है कि इंडिया ने अभी तक कई सालों से एशिया कप कोई बड़ा इवेंट जीता नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी जब थे तब वर्ल्ड कप जीता था, चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, एशिया कप भी जीता था, लेकिन उसके बाद देखो सूखा सा पड़ा है। तो हम भी चाहते हैं कि इस साल एशिया कप अपना इंडिया ही उठाए। तो ये सबसे बड़ा मैच है, उसके सामने मैं कौन सा वाला मैच करा रहा हूँ आप लोगों को, कौन से वाले मैच की अपडेट बता रहा हूँ, ये वाले मैच की, गोयना अमेजोन वॉरियर्स बनाम ST किट्स निवई पैटर्न्स का मैच है, जो कि कल के दिन खेला जाना है 2 सितंबर को। अभी उसी मैच के रिगार्डिंग बात करनी है मुझे आप लोगों से। अब आप देख सकते हो, कि ये जो मुकाबला है 2 सितंबर को खेला जाना है और 7:30 बजे खेला जाना है, बारबाडोस के ओवल में ये मुकाबला खेला जाना है, वेस्ट इंडीज में पड़ता है। तो देखो, मैं बताऊं आपको कि जब ये मैच मैं आपको दे रहा हूं, जब ये मैच आ रहा होगा तो उसी टाइम पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी चल रहा होगा। देखो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वाले मैच में अगर वन साइडेड मैच होता है, 50 ओवर के मैच में कोई मैच वन साइडेड होता है, तो बड़ा बोरियत महसूस होती है आपको भी मुझे भी। मैं नहीं चाहता कि देखो 50 ओवर के मैच में बेशक वन साइडेड मैच हो, अच्छा मैच हो, इतना अच्छा मैच हो कि लास्ट बॉल तक जाए, हाई वोल्टेज मैच हो, ऐसा ही मैच हो जाए जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई दीपावली के दिन विराट कोहली ने जितवाया था इंडिया टीम को, 8 बॉलें बची थी, 8 बॉलों में ऐसी कुछ 30 रन थे, वो बड़ा हाई वोल्टेज मुकाबला था, हारिस रॉप को ऊपर से छक्का मार दिया था। तो ऐसे मैच अगर हो जाए ना, कल के दिन मिल जाए ना, तो समझ लीजिए एक डोज मिल जाएगा, एक पावर मिल जाएगा, ऐसे मुकाबले देखने का बड़ा मन होता है। पैसे देखो आते हैं, पैसे अपनी जगह है, लेकिन भाई जो सुकून मिलता है टीम इंडिया जीतती है उसके बाद, फिर ऐसे मुकाबले जो बिल्कुल फंसे फंसाए मुकाबले होते हैं। और अब देखा जाए तो देखो, पाकिस्तान हल्की नहीं है। जब महेंद्र सिंह धोनी के टाइम पर पाकिस्तान जब खेलती थी तो बड़ा मजाक टाइप का लगता था, उस टाइम पर इंडिया आसानी से जीत जाती थी, कोई मतलब ऐसा टक्कर वाला मैच नहीं होता था। लेकिन अब कुछ सालों से चीज़ें बदली हैं, जब से बाबर आए हैं, रिजवान आए हैं, तब से चीज़ें थोड़ी सी बदली हैं, बेटर हुई हैं पाकिस्तान के लिए। तो उसके मुकाबले अब देखो मैचेस होते हैं, क्लोज मैचेस होते हैं, लास्ट बॉल तक जाते हैं, और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब ये रेट जो दिख रहा है आपको इंडिया वाला मैच, मैं आपको बताता हूं, अब ये रेट क्यों दिख रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये इंडिया के मैचेस में हमेशा पैसा देखो कभी भी नहीं मिलता आपको, इंडिया के मैचेस में पैसा कभी भी नहीं मिलता, कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन में ने, तो देखो 58% देखो इंडिया को फेवरेट रखा गया। सेम कंडीशन इन्होंने दीपावली वाले दिन भी, वर्ल्ड कप के दिन भी, जब ये मुकाबला हुआ था, 2020 वर्ल्ड कप चल रहा था उस टाइम पे इन्होंने 50% फेवरेट खोला था टीम इंडिया को। और हुआ क्या था 13 पैसे आ गई थी पाकिस्तान, 13 पैसे से आई की, मतलब आई क्या, उस टाइम पे तो देखो सारे लोगों ने दिमाग में ये डाल ली थी कि भाई अपनी टीम हार चुकी है, मैच हार चुके हैं, 8 बॉलों में 30-35 रन बहुत हो जाते हैं। देखो वो नो बॉल आना, और नो बॉल के बाद फिर मतलब समझ जाओ आप लोग कितना मतलब भगवान ने साथ दिया उस दिन। तो हर टाइम ऐसी कंडीशन नहीं बनती। अब यह 57-58 पैसे का रेट मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि इन्होंने क्यों ओपन किया है। देखो, हम बात तो कर रहे थे दूसरे मैच की, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बारे में बात करने लगे, चलो उसको छोड़ते हैं। गोयना अमेजोन वॉरियर्स ST किट्स ने भाई पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं। तो इस मुकाबले में अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले तो पॉइंट टेबल की बात करते हैं कि कौन सी टीम किस पोजीशन पे बैठी है। तो सबसे पहली अगर टीम की अगर मैं बात करूं, तो ये जो टीम मैंने आपको बता रहा हूं, ST लूसिया किंग, ये सबसे ऊपर है इस टाइम पे सबसे ऊपर चल रही है ST लूसिया किंग। और वहीं पे अगर मैं सबसे नीचे की बात करूं तो 6ठे नंबर पर है जिस टीम का मैच होना है वो सबसे नीचे चल रही है, ST किट्स निवई पैटर्न्स की बात कर रहा हूं। अब ये इतनी नीचे चल रही है कि भाई अब क्या किया जाए।
अब ये इतनी नीचे चल रही है, और इस टीम का जिससे मैच होना है, किससे मैच होना है मैं आपको बताता हूँ, ये टीम का मैच होना है नंबर दूसरी, जो नंबर दो पे चल रही है गोयना अमेजोन वॉरियर्स, उसके साथ ये मुकाबला खेला जाना है। देखो एक नंबर दो की टीम है, एक नंबर छः की टीम है। नंबर दो पर है गोयना और नंबर छः पे है एसटी किट्स। तो साफ साफ दिख रहा है कि आपको आपको भी दिख रहा होगा कि एसटी किट्स ने कुछ अच्छा किया नहीं है अभी फ़िलहाल में, हाल ही में, और अब ये वापसी कर पाएंगे मुझे नहीं लगता। छः मुकाबले इन्होंने खेले हैं, छः मुकाबलों में से चार मुकाबले हारे हैं और एक मुकाबला भी ये नहीं जीते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, कितना मतलब बुरा लगता है मुझे ऐसी टीमों पे कि यार ये ऐसी परफॉर्मेंस करती हैं कि छः मुकाबलों में से चार मुकाबले आप हार चुके हैं और भाई कोई भी मुकाबला नहीं जीते हैं। हाँ दो मुकाबले भाई बारिश की वजह से नहीं खेले गए होंगे, लेकिन भाई तो भी आपने अभी तक खाता नहीं खोला है, आप जीते नहीं हो। अब देखो साफ साफ दिख गया है कि भाई एक दूसरे नंबर की टीम है और एक छठवें नंबर की टीम है। अब जहाँ पे साफ साफ पल्ला भारी नज़र आ रहा है कि गोयना के साफ साफ चांसेस, हैवी चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। अब टीम पर नज़र डाल लेते हैं कि भाई टीम क्या बोल रही है। तो टीम के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो टीम में, टीम के चांसेस नज़र आ रहे हैं गोयना के 31% और वहां पे एसटी किट्स ने भाई पैटर्न्स के 69%। थोड़ा शॉक्ड लगा मुझे इस चीज़ को देख के कि भाई गोयना देखो नंबर दूसरे पोजीशन पर है पॉइंट्स टेबल पे, फिर उसके बावजूद भी गोयना अच्छा कर रही है, फिर उसके बावजूद भी एसटी किट्स ने भाई पैटर्न छः मुकाबले खेलकर एक भी मुकाबला नहीं जीती, उसके बावजूद भी देखो गोयना 31 और 69। अब पता नहीं ये कौन से लोग रेशियो निकाल के ऐसा सिस्टम बनाते हैं, मुझे समझ से तो मेरे बाहर है। और अगर मैं देखो इन दोनों टीमों के हेड 10 मुकाबलों की अगर मैं बात करूं तो साफ साफ दिख रहा है कि पिछले 10 मुकाबले खेले गए इन दोनों टीमों के, 6 मुकाबले जीती है गोयना की टीम और 4 मुकाबले ही जीती है एसटी किट्स ने भाई पैटर्न्स की टीम। तो यहाँ पे गोयना आगे निकल रही है और एसटी किट्स थोड़ा पीछे हो रही है, दो मुकाबले से पीछे हो रही है। और रिसेंटली अगर मैं बात करूं इन दोनों टीमों के मुकाबले की तो देखो रिसेंटली अभी मुकाबला खेला गया था, अभी मुकाबला खेला गया था इन दोनों टीमों के बीच में, मैच नंबर 8 था जो कि भाई 25 अगस्त को खेला गया था 2023 को। उसमें देखो 197 का टारगेट दिया था गोयना ने और एसटी किट्स ने भाई पैटर्न ने 132 पे ऑल टीम कर ली थी अपनी ऑल टीम। तो 65 रन से गोयना जीती थी ये मुकाबला। तो इस मैच में जो अभी हुआ था 2023 में, इस मैच में तो देखो साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को कि गोयना आगे निकल रही है। और पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो देखो पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे एसटी किट्स ने भाई पैटर्न्स आगे थी, 4 विकेट से मुकाबला जीती थी। तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि इस साल की परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो एसटी किट्स ने भाई पैटर्न्स थोड़ा पीछे चल रही है। लेकिन ये सीपीएल वाले मैचेस हैं, हो सकता है कि जैकपॉट मैच बने, कभी भी कुछ भी चीज़ें बदलती हैं, पल भर में चीज़ें बदल जाती हैं। तो अब आइए मैच के प्रेडिक्शन के बारे में बात करते हैं। और मैच की प्रेडिक्शन से पहले कि भाई कौन सी टीम जीतेगी, अब जो टीम मैं देकर जाऊँगा उसके चांसेस कितने होंगे उसके चांसेस मैं आपको बता देता हूं। जो टीम मैं आपको देकर जाऊंगा उसके चांसेस 85% चांसेस होंगे जीतने के, जो मैं टीम देकर जाऊंगा। यार बहुत मेहनत लगती है यार, एक एक चीज़ें नोटिस करने पड़ती हैं, रेट क्या चल रहा है सामने वाली टीम का, खिलाड़ी कौन से टच में चल रहा है, कौन सा ग्राउंड है। अब मैं ग्राउंड की बात करूं तो देखो ग्राउंड तो बारबाडोस का है, ग्राउंड ना तो एसटी किट्स ने भाई पैटर्न्स का है ना भाई गोयना का, बराबर का मामला है। तो यहाँ पे 85% जो मैं टीम दूंगा 85% वो जीतेगी, 85% वो टीम जीतेगी। 15% लक बाई चांस है, लेकिन तो भी मैं 100% में 85% अगर कोई प्रेडिक्शन देकर जा रहा हूँ आप लोगों को और वो टीम जीत रही है तो सबसे अच्छी प्रेडिक्शन मानी जाएगी वो। और दूसरी बात ये कि 15% चांसेस में मैं एक बात बताऊंगा कि इस मैच में कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि देखो वर्ल्ड कप चल रहा है उस टाइम, सॉरी एशिया कप चलेगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। आपको भी पता है कि इंडिया में कोई भी मैच देखना पसंद नहीं करेगा एसटी किट्स ने भाई पैटर्न्स और अमेजोन वॉरियर का, लेकिन आप लोग अपने पैसे से मतलब रखो, इंडिया वाले मैच में भी पैसा छापो। अगर उस मैच में कम पैसे छाप पा रहे हो तो भैया गोयना अमेजोन वॉरियर्स एसटी किट्स का जो मैच देकर जा रहा हूं उसमें पैसा छाप लेना। इस मैच में आपको गोयना की टीम ही फेवरेट मिलेगी, अभी रेट ओपन नहीं हुआ, अभी रेट इन लोगों ने ओपन नहीं किया है। अब जो भी रेट ओपन होगा मेरे अकॉर्डिंग तो देखो 70 पैसे ओपन होगा अमेजॉन वॉरियर 70 पैसे ओपन हो सकता है फेवरेट। और वहाँ पे अगर खाने की बात की जाए तो 70 पैसे में आप दो लिमिट प्लस हो जाना एसटी किट्स ने भाई पैटर्न्स पे। और फिर जैसे जैसे मैच में गोयना प्लस होती जाए, गोयना अच्छा करती जाए, क्योंकि गोयना अच्छा करेगी प्लस होती जाए, तो आप इसको प्लस करते जाना,
एसटी किट्स निवई पैटर्न्स को। मेरे अकॉर्डिंग देखो, अब ये जो मुकाबला खेला जाना है ये एसटी किट्स निवई पैटर्न्स के हाथ में हक में जा सकता है, तो इसलिए आप लोग सभी भाई एसटी किट्स निवई पैटर्न्स के साथ ही चलना। और रही बात मेरे प्रेडिक्शन की, तो देखो मैंने अभी जो प्रेडिक्शन आपको दिया है मैं आपको फिर से दे दूंगा। कहाँ दूंगा? ऑलराउंडर फैमिली पे। 7:30 बजे कल मुलाकात होगी मेरी आपसे इसी चैनल पे ऑलराउंडर फैमिली के नाम से। तो जिन भाइयों ने अगर हमारा चैनल अगर नहीं किया ज्वाइन तो कर लो। देखो अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम मैं बता दूं तो 4 बजने वाले हैं शाम के, सॉरी 4 बजने वाले हैं, ठीक है। अब 4 बजे मैं वीडियो डाल रहा हूँ, अब ये मैच कब होना है? कल होना है 7 बजे। तो बहुत बड़ा टाइम है, बहुत बड़ा गैप है। इतने लंबे समय के अंतराल अगर कोई कुछ भी बदलता है मैच में, कोई प्लेयर्स अगर बाई चांस अगर इंजर्ड हो जाता है, कोई प्लेयर्स नहीं खेलता भाई, तो बहुत सारी चीज़ें मैच में बदल जाती हैं। तो उस रिगार्डिंग अगर मैं टीम देकर जा रहा हूँ आपको एसटी किट्स, आप सोचोगे कि एसटी किट्स दिया, एसटी किट्स के साथ जाना है। और वहाँ पे 2 प्लेयर्स चेंज हो गए एसटी किट्स के। अब यहाँ पे साफ साफ फेवर आ गया कि अमेजॉन वॉरियर्स जीत रही है। तो आप भी अंधों की तरह मत बैठा करो। जो मेरा चैनल मैं आपको देकर जा रहा हूँ ऑलराउंडर फैमिली के नाम से, जो दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, ये दिख रहा है ऑलराउंडर फैमिली के नाम से, इसको ज्वाइन कर लो। अब इसमें होगा क्या कि देखो उस टाइम पे अगर मैच की टीम अगर बदलती है तो देखो मैं 1 मिनट में वीडियो तो नहीं डाल पाऊंगा आप लोगों के लिए भाई। 1 मिनट में वीडियो डालूंगा, आप लोग देखो उस वीडियो को और फिर से मैच ले लो मेरे से। तो देखो उस टाइम पे मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये जो टेलीग्राम चैनल है ना, इसको अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो भाई आप लोगों के साथ बना रहूंगा मैं पूरे मैच में। जब जब चौके भी पड़ेंगे, छक्के भी पड़ेंगे, विकेट भी आएगा, कुछ भी होगा, तो मैच में अपडेट मिलती रहेगी आपको। और अपडेट मैं हमेशा देता हूं, देखो चलते हुए बीच मैच में मैं अपडेट देता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट रुको। ये जो चैनल है मैं देखो, आप सारे काम होते हैं, सारी चीज़ों के प्रिडिक्शन, सारी चीज़ें मैं देखो आपको बताता रहता हूँ, विथ एंट्री के साथ मैच कराता हूँ। देखो 20 पैसे पाकिस्तान फेवरेट, लॉस का ट्रेंड बुक सेट कर लो, 50 पैसे लॉस का लॉस हल्का कर लो। देखो उस दिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो मैच था उसमें एंट्री कराई थी, 40-45 पैसे अफगानिस्तान फेवरेट था, उसी टाइम पर एंट्री कराकर बोला था कि पाकिस्तान को मैच में प्लस करो। तो ये सब चीज़ें मैं आपको उसी टाइम पे बता सकता हूँ जिस टाइम पे मैच चल रहा होगा। और रही बात मेरे YouTube चैनल की, तो YouTube चैनल पे जो प्रेडिक्शन देकर जा रहा हूँ 85% वो टीम जीतने में कामयाब हो सकती है। बाकी के 15% भी बचे कुचे, 100% अगर आपको करना है काम तो ऑलराउंडर फैमिली का जो चैनल दिख रहा है, सबसे पहले तो टेलीग्राम पे जाओ और वहाँ पे सर्च कर लो ऑलराउंडर फैमिली। जैसे ही आप सर्च करोगे ऑलराउंडर फैमिली तो हमारा चैनल आ जाएगा। जैसे ही हमारा चैनल आता है तो ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन का नीचे बटन आएगा, ज्वाइन करोगे आप हमारी फैमिली के मेंबर बन जाओगे। तो देखो मैंने आपको बता दिया, और जाते जाते एक बात और बताऊंगा आप लोगों को। देखो भाई मेहनत कर रहा हूँ यार, गला बैठ जाता है वीडियो बनाने में, एक एक चीज को पॉइंट आउट करने में। यहाँ पे अगर ऊपर नीचे होकर टीमें हार जाएंगी ना तो उल्टा सीधा आप ही बोलोगे, आपको ही बुरा लगेगा। तो मैं नहीं चाहता कि लॉस हो आप लोगों का, तो साफ साफ बता रहा हूँ कि भाई देखो जिन भाइयों ने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी भाई कर लेना। ऑलराउंडर फैमिली जैसे ही आप गूगल पे डालोगे, गूगल तो सबको ही पता होगा, जैसे ही आप गूगल पे डालोगे ऑलराउंडर फैमिली, ये रहा देखो आपको दिख रहा होगा ऑलराउंडर फैमिली, जैसे ही आप गूगल पे डालोगे ये दिख रहा है गूगल पे। तो जैसे ही मेरा चैनल ओपन करोगे तो आप मेरे चैनल पे डायरेक्टली आ जाओगे। मेरा चैनल ये रहा आपको दिख रहा होगा ऑलराउंडर फैमिली के नाम से, और यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन है। तो भाई इसको दबा दो यार, पैसे नहीं लगते भाई मेरे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ड्रीम इलेवंस की प्रेडिक्शन दे रहे हैं, उल्टी सीधी टीम बना के दे रहे हैं भाई, उसमें आप भी करोड़पति नहीं बन पाए कभी तक। भाई आप टीमें लगाते हो, कोई 2000 रुपये की टीम लगाता है, कोई 3000 की टीम लगाता है, तो भाई मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी, डिटेल में बताऊंगा उसका काला चिट्टा पूरा का पूरा बताऊंगा। लेकिन मेरा जो काम है वो इंस्टेंट है, जो होगा हाल की हाल ही होगा। आपका पैसा आएगा तो आपकी पॉकेट में हाल की हाल ही आएगा। जो काम मैं करा रहा हूँ आपको भाई, पूरे मार्केट में पैसे दे देकर करा रहे हैं लोग, समझ रहे हो, वो भी परफेक्ट नहीं हो पा रहा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई मेहनत लगती है मेरे भाई, इतना उस मेहनत को थोड़ा सा तो भाई रखो अपने दिल में कि भाई मेहनत कर रहा है, चिल्ला चिल्ला कर आपको बता रहा है। देखो इतना महंगा मैंने डिवाइस लिया है, 1.5 लाख रुपये खर्च किए हैं इस चीज़ के लिए, आप लोगों के लिए 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपये मुझे यार, मैं क्यों करता खर्च यार, 1.5 लाख रुपए के लिए मैंने ये जो आप देख रहे हो ना, ये लाइनें, ये ऐसे कर्सर हो रहे हैं, ये सब 1.5 लाख रुपए का एक सेटअप लिया है मैंने।
कि आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। तो चैनल देखो दिख रहा है, पैसा भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, रात रात भर जाग रहा हूँ, सभी आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लो। और जाते जाते मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, इस मैच की जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी आप लोगों को, ये वाले मैच की, गोयना अमेजॉन वॉरियर्स और एसटी किट्स निभाई पैटर्न्स में, तो इस मैच में देखो आपको एसटी किट्स निभाई पैटर्न्स के साथ विन करना है, ठीक है, इसके साथ आपको जाना है। और जब जब आपको गोयना की टीम फेवरेट मिले तो प्लस करते चलना एसटी किट्स निभाई पैटर्न को। तो ये जो 15वां मुकाबला है सीपीएल का 2023 जो कि कल खेला जाना है 7:30 बजे, ये मुकाबले में दोनों टीमों में से कौन सी टीम जीत रही है, तो इसमें एसटी किट्स निभाई पैटर्न्स मेरे अकॉर्डिंग जीत रही है। तो आप लोग जा सकते हो एसटी किट्स निभाई पैटर्न्स के साथ। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए, टेलीग्राम पे मेरी और आपकी मुलाकात होगी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच में और एसटी किट्स निभाई वाले पैटर्न्स वाले मैच में। और बस जाते जाते एक बात बोलूँगा, दिल थोड़ा दुखता है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, बस इतना ही बोलूँगा। तब तक के लिए ख्याल रखो सभी भाई, कल मिलते हैं आप सबसे।